के व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जनों, आज हम आपको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, इंदिरा एकादशी का ये पावन व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम होता है और इसकी कथा सुनना तो बड़ा ही कल्याणकारी है। कहते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें इंदिरा एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। कथा बड़ी प्राचीन है भक्तों, ये द्वापर युग की। श्री कृष्ण के मुख से जो कि युधिष्ठिर ने सुनी, पांडवों का तो श्री कृष्ण ही के पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, श्री कृष्ण जी पांडवों के सदैव हितैषी रहे। समय समय पर वो उनका मार्गदर्शन करते थे और अनेकों ज्ञानवर्धक कथाएं भी सुनाते थे। प्रायः सभी एकादशियों की कथा भी पांडवों को श्री कृष्ण ने ही सुनाई थी। जब आश्विन मास आरंभ हुआ तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे, हे कृष्ण, भादो मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी व्रत कथा को मैंने आपके श्रीमुख से श्रद्धा पूर्वक सुना और माता कुंती व द्रौपदी सहित हमने व्रत भी किया। अब अश्विन मास प्रारंभ हो गया है, अतः आप मुझे अश्विन मास में आने वाली एकादशी व्रत कथा और महात्म्य सुनाएं। सुनकर बात युधिष्ठिर की श्री कृष्ण ने कहा, उत्तम प्रश्न बड़ा ही युधिष्ठिर आपने आज किया। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आए, इंदिरा एकादशी के नाम से वो तो बुलाई जाए। उत्तम व्रत बड़ा ही इंदिरा एकादशी का है, पितरों को भी मोक्ष प्रदान कर सकता है और सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। इंदिरा एकादशी का व्रत तो ऐसा उत्तम है, जीवन में सब सुख और अंत में मोक्ष को पाते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। ये व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने में भी सक्षम होता है। इस व्रत में दशमी के दिन ही किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों का पिंडदान करना चाहिए। इस एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत रखते हुए श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए एवं रात्रि में हरि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा राजा इंद्रसेन से जुड़ी हुई है, इसीलिए इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। अब पूरी कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पावन कथा सुनाते हैं, पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जनों, श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर, राजा इंद्रसेन बड़ा ही धर्मात्मा एवं कुशल प्रजापालक था। साधु और ब्राह्मणों की सेवा में वो सदैव तत्पर रहता था। समय समय पर यज्ञ हवन करवाना और ब्राह्मणों को दान देना उसकी दिनचर्या में शामिल था। प्रजा में भी बड़ी ही खुशहाली थी। राजा इंद्रसेन के राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। सभी प्रजावासी धन धान्य से परिपूर्ण थे एवं राजा इंद्रसेन का बड़ा ही आदर करते थे। एक दिन राजा इंद्रसेन की सभा लगी हुई थी कि आकाश मार्ग से जाते हुए मुनि नारद राजा इंद्रसेन की सभा में प्रकट हुए। राजन पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा है युधिष्ठिर, राजा इंद्रसेन ने मुनि नारद का बड़ा आदर सत्कार किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। तब मुनि नारद कहने लगे, हे राजन, आपके राज्य में सब सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, आपकी उदारता को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तब राजा इंद्रसेन कहने लगे, हे मुनिवर, ये सब आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके पश्चात राजा इंद्रसेन ने उनसे आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। इतना सुन मुनि नारद ने ये इंद्रसेन से कहा, मेरा काम है तीन लोक में विचरण करने का, इसी ही क्रम में आपके राज्य में मैं चला आया हूँ, और एक संदेशा भी आपके लिए मैं लाया हूँ। एक बार जब विचरण करने मैं यमलोक गया, वहाँ आपके पिताश्री को भी मैंने था देखा, आपके जैसे पिता आपके बड़े धर्मात्मा थे, ना जाने किस कारण फिर यमलोक वो पहुँच गए। पूछने पर वो मुझको कारण भी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपके पिता भी आपके जैसे महान विष्णु भक्त थे, उन्हें यमलोक में देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, तो मैंने उनसे यमलोक में आने का कारण पूछ लिया। तब उन्होंने बताया कि मैंने दान पुण्य यज्ञ हवन आदि सभी किए, किंतु कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, जिसके कारण मुझे यमलोक के दुख भोगने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, आप तो तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, अतः आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से कहना कि वो इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे प्रदान कर दे। इंद्रसेन है पुत्र मेरा मुनि नारद, उससे कहना इंद्रा एकादशी के व्रत को तुम विधि पूर्वक करना, व्रत के फल को कर दे मुझे प्रदान, तभी अब लोक के कष्टों से मुझको मिले निदान। आपके पिता ने ये संदेशा राजन मुझे दिया, आपका व्रत करने से मोक्ष उनको अब मिल सकता। इंद्रसेन ने मुनि नारद को प्रकट किया, व्रत करूंगा मैं हर बार, फिर प्रस्थान मुनि नारद भी कर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत करे श्रद्धा से मुक्ति पाते। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि यमलोक में दुख भोग रहे इंद्रसेन के पिता ने अपने पुत्र इंद्रसेन के लिए मुनि नारद द्वारा संदेश भेजा कि वो इंद्रा एकादशी व्रत करके उसका फल मुझे प्रदान कर दे। मुनि नारद की यह बात सुनकर राजा इंद्रसेन कहने लगे, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताएं,
जिससे मेरे पिता को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दसवीं के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पिता के नाम का श्राद्ध करना और रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करना। इसके पश्चात एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके धूप दीप पुष्पादि से भगवान विष्णु की पूजा करना और संकल्प लेना कि आज मैं पूरे दिन निराहार रहूंगा। उस दिन सभी भोगों को त्याग करना और रात को हरि जागरण करना। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः स्नान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देना। इसके पश्चात व्रत का पारण करके उसका फल अपने पिता श्री को दे देना। इतना कहकर नारद जी प्रस्थान कर गए। पावन कथा सुनाते हैं पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, हे युधिष्ठिर, राजा इंद्रसेन के एकादशी व्रत का फल प्राप्त करके यमलोक में बैठे उसके पिता भी बैकुंठ धाम चले गए। ऐसा कल्याणकारी है इंद्र एकादशी का व्रत। इसके पश्चात राजा इंद्रसेन ने निश्चय किया कि वो सभी एकादशियों के व्रत विधि पूर्वक करेंगे। इसके पश्चात राजा इंद्रसेन ने अपनी रानी और पुत्र पौत्रों सहित एकादशी व्रत करने शुरू कर दिए, जिसके प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठा राजा इंद्रसेन भी बैकुंठ चले गए। इंद्रसेन ने महिमा जानी एकादशी व्रत की, करने लगे हैं कुटुंब सहित फिर राजा व्रत सभी। पूजा पाठ करते दिन में और करते हर सिमरन, और रात भर करते रहते राजा हरि जागरण। प्रसन्न हो गए इंद्रसेन पर श्री विष्णु भगवान, ख्याति प्राप्त हुई जीवन में उनको देव समान। इंद्रसेन ने निष्कंटक है अपना राज किया, एकादशी के व्रत का फल कुछ ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जनों, कथा के अंत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इंद्र एकादशी व्रत के फल से
इंद्रसेन के पिता तो मोक्ष अधिकारी बने ही, राजा इंद्रसेन भी अंत में वैकुंठ धाम को गए। हे युधिष्ठिर, ऐसा कल्याणकारी व्रत है इंद्रा एकादशी का, जो पितरों को भी मोक्ष दिलाने में सक्षम है। यही इंद्रा एकादशी व्रत कथा है, जो व्रत के दिन सुनी और सुनाई जाती है। सुनकर कथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसा है ये पावन व्रत जो इंद्रा एकादशी का। शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते।